हेलो so, बच्चा लो वेलकम बैक टू द रिविजन सीरीज एक ऐसा सीरीज जो कि सारे जे एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर रखा है ट्वेल्थ कंप्लीट कर लिया है इलेवंथ के भी मेजर टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं सिर्फ दो तीन चैप्टर अपना बचता है ठीक है जिसमें से आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास इसके बाद अपना आएगा कोलिजन ठीक है सेंटर ऑफ मास में हम लोग जिन जिन टॉपिक्स को यहाँ पे देखने वाले हैं दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास ऑफ मल्टी पार्टिकल सिस्टम टू पार्टिकल सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट राइट सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड बॉडी जहाँ पे आपका मास डेंसिटी यूनिफॉर्म हो या फिर कॉन्स्टेंट हो सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी जहाँ पे मास डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है बेसिकली वेरिएबल है ठीक है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड स्ट्रक्चर कैविटी प्रॉब्लम्स और इसे हम दो तरीके से सॉल्व करना यहाँ पर सीखेंगे टू मेथड्स राइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एट द लास्ट विलॉसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ठीक है इन सभी पर आपको कभी ना कभी सवाल पूछा जाता है ठीक है uh, आप ज़रूर से हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है एडुनिटी फॉर फिजिक्स इसको ज्वाइन करें यहाँ पे भी हम लोग अपने सारे कंटेंट्स को शेयर करते हैं सो दैट यू शूडेंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ दी टॉपिक्स राइट इसी प्रेजेंटेशन में राइट right? ये जो आपका सेशन है सारा एंटायर नोट्स आपको नीचे पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा और इसी पीडीएफ में आपको हमारा जितना भी रिवीजन वीडियोस है सबका नाम और लिंक भी मिलेगा आपको बस इन लिंक्स पे क्लिक करना है और वो रेस्पेक्टिव वीडियो खुल जाएगा ठीक है अगर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स रिवाइज करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लूड स्टार्टिक्स डायनामिक्स एंड प्रॉपर्टीज तो आप इन सभी को रिवाइज कर सकते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक सेंटर ऑफ मास राइट right? अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास में इसको अलग अलग तरीके से समझाया जा सकता है सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे आप एक बॉडी को बेसिकली बैलेंस कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे ये जो एक ईगल वाला टॉय होता है इसकी चोंच पे आप इस पूरे टॉय को बेसिकली बैलेंस कर पाते हो देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन ये पॉसिबल हो पाता है ड्यू टू द डिजाइन ऑफ दिस ईगल इसका जो ये विंग है काफी आगे बनाया जाता है और हेवी बनाया जाता है ठीक है अब एक बच्चा बोलेगा कि सर अगर आप हमारे पास एक सर्कुलर रिंग हो तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है लेकिन यहाँ तो कोई मास है ही नहीं यहाँ पे हम इसको कैसे बैलेंस कर सकेंगे तो एक और तरीका सेंटर ऑफ मास को समझाने का क्या हो सकता है कि अगर आपने एक फोर्स लगाया है ठीक है और वो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अगर सेंटर ऑफ मास से पास करता है तब ये आपका बॉडी जो है सिर्फ ट्रांसलेट करेगा ये आपको सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन रखेगा ये बॉडी आपको रोटेट नहीं करेगा दिस बॉडी विल नेवर हैव एन एंगुलर एक्सेलरेशन क्लियर है ये सिर्फ आपको लीनियरली ट्रांसलेट करेगा राइट right? एक और तरीका क्या है कि अगर आपके पास एक बॉडी है और वो बॉडी आपका यूनिफॉर्म ग्राविटेशनल फील्ड में है यानी कि इस बॉडी के सराउंडिंग में जो भी आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी है वो कांस्टेंट है जो कि हमारे अर्थ के सरफेस पे होता है राइट right? वो यूनिफॉर्म है कांस्टेंट है तो ऐसे केस में जो बॉडी का वेट होता है एम वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से ही पास करता है ये जो कॉन्सेप्ट है आपको रोटेशन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्लियर है एकदम चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहां पे मैथमेटिकल ऑफ मास पे आपके पास बहुत सारे पॉइंट मास होंगे ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे आपके पास तीन पार्टिकल है m1, m2 एम टू एंड एम होने का आपको एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकता था ठीक है एकदम मान लेते हैं कि इन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पे है हर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया जाता है आर वन वैक्टर आर टू वैक्टर आर थ्री वैक्टर और सेंटर ऑफ मास का हमें पोजीशन वेक्टर सॉल्व करना है विच इज योर आर सी वैक्टर तो इसका सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है दैट इज योर एम वन आर वन वैक्टर प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री अपॉन टोटल मास ऑफ दी सिस्टम ठीक है अब इसी को आप चाहो तो एक्स वाई जेड अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में भी लिख सकते थे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मासस एम वन एक्स वन यानी कि ये जो पार्टिकल है एम वन इसका मास मल्टीप्लाइड बाई इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है विच इज योर एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री अपॉन टोटल मास सेम गोस फॉर योर वाई सी एंड जेड सी ठीक है अब जनरली अगर आपके पास सिर्फ दो पार्टिकल हो तो यहां पे आप कुछ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूले को याद रख सकते हैं ये आपको स्पीड सॉल्विंग में हेल्प करता है सपोज कीजिए आपके पास यहां पे दो ही पार्टिकल है M1 एंड M2 राइट right? और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे लोकेटेड है सेंटर ऑफ मास का दूरी m1 से r1 है सेंटर ऑफ मास का दूरी m2 से r2 है ठीक है अच्छा सर जो टोटल डिस्टेंस है द सेपरेशन बिटवीन द टू मासेस m1 एंड m2 दैट इज योर स्मॉल r इस केस में जो आपका r1 होगा आप चाहो तो इसको इसी फॉर्मुले से एम वन एक्स वन के फॉर्मुले से भी ड्राइव कर सकते हो आप जब ड्राइव करोगे तो आपको निकल के आएगा कि जो r1 है दैट इज इक्वल टू R1 वन इज इक्वल टू एम इन टू आर अपॉन टोटल मास और जो आपका आर टू है दैट इज इक्वल टू एम वन इंटू आर अपॉन योर टोटल मास ठीक है और जो सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है दैट इज योर एम वन इंटू आर वन इज इक्वल टू एम टू इंटू आर टू क्लियर एकदम तो ये दोनों ही एक्सप्रेशन आपको याद रखना है अच्छा यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल है आप इसको पहले समझिए और फिर खुद से सॉल्व कीजिए और फिर आके इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं सवाल में हमसे कहता है कि ये आपके पास एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक पार्टिकल आपका ओरिजिन पे है चार के का एक पार्टिकल आपका दो के का है यहाँ पे रखा हुआ है सेपरेशन बिटवीन टू एंड फोर के इज योर फाइव मीटर एंड द लाइन ज्वाइनिंग टू एंड फोर के मेक्स एन एंगल ऑफ फर्टी डिग्री विद दी एक्स एक्सेस हमसे पूछता है कि भैया सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स क्या है क्लियर एकदम अच्छा तो आप यहाँ पे इसको करे, करे, और फिर आके सोल्यूशन को देखें तो यहाँ पे है और इसका जो डिस्टेंस है फोर के से दैट इज योर आर वन सो बेसिकली ये आर वन यही वाला आर वन है तो हमको तो पता है कि आर वन का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज योर टू के जी मल्टीप्लाइड बाई फाइव अपॉन टोटल मास सो टू इंटू फाइव अपॉन टू प्लस फोर यह आपको आ जाएगा तो यहां पे हमने वही किया है कॉस थर्टी सेवन आपको होता है फोर बाई फाइव एन साइन थर्टी सेवन आपको होता है थ्री बाई फाइव क्लियर एकदम सो बहुत सिंपली ईजली ये सवाल आपका हैंडल हो जाएगा अच्छा अगर आपके पास कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि एक पॉइंट मास ना होके एक आपके पास बॉडी है ठीक है तो इस केस में आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है जो आपका यहाँ पे बॉडी है मान लेते इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और इसका सेंटर ऑफ मास का जो पोजिशन वैक्टर है दैट इज योर आर ठीक है इस बॉडी का जो टोटल मास है दैट इज योर कैपिटल एम तो यहाँ पे हमने एक बहुत छोटा सा पार्टिकल ले लिया है विच इज़ योर डी एम मास का पार्टिकल राइट और इस पार्टिकल का जो पोजिशन वैक्टर है और रादर इस पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजिशन वैक्टर है आर वैक्टर तो यहां पे आर सी वैक्टर इज डिफाइंड एज इंटीग्रल आर डी एम अपॉन इंटीग्रल डीएम वॉट इज इंटीग्रल डीएम दैट इज बेसिकली द टोटल मास ऑफ दिस बॉडी तो वन बाई एम इंटीग्रल आर डी एम अब इसे हम चाहे तो एक्स वाई जेड में अलग अलग ब्रेक करके भी लिख सकते थे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रल डीएम एंड लाइकवाइज यहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को ध्यान में रखें कि ये एक्स क्या है एक्स इज कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डीएम पार्टिकल इस डीएम पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है वही एक्स हम लोग यहां पे लिखेंगे ठीक है अच्छा अब इसके बाद आपका आता है कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज चाहे वो आपका सेमी सर्कुलर रिंग हो सेमी सर्कुलर डिस्क हो सॉलिड हेमिसफेयर होलो हेमिसफेयर होलो कोन सॉलिड कोन एंड सो ऑन इन सभी का फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए लेकिन अगर आपको डेरिवेशन इसका समझना है यहां हम लोग डेरिवेशन करेंगे नहीं लेकिन आपको अगर इसका डेरिवेशन में कॉन्फिडेंस पाना है तो आपको एलिमेंट लेने का कॉन्सेप्ट आना चाहिए और उसी के लिए हमने ऑलरेडी एक पीएचडी वीडियो किया है हमने एक डिटेल वीडियो किया था हाउ टू टेक एलिमेंट्स इन वेरियस वेरियस बॉडीज इसी से आपका सेंटर ऑफ मास और रोटेशन स्ट्रांग हो सकता है तो इस वीडियो का लिंक यहां पे है आप इस पर क्लिक करेंगे ये वीडियो खुल जाएगा और इस लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया जाएगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर से देखें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप एलिमेंट कैसे लेते हो ठीक है फिलहाल के लिए जो स्टैंडर्ड बॉडीज़ है उसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ये बॉडीज में मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है यानी कि मास डेंसिटी कॉन्स्टेंट है अगर ऐसा है तो एक सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास इसके ओ पॉइंट से ऊपर जाके होता है टू आर बाई पे एक अगर आपके पास सेमी सर्कुलर डिस्क है तो ओ पॉइंट से ऊपर जाना है फोर आर बाई थ्री पे एक हॉलो हेमिसफेयर है तो ओ पॉइंट से ऊपर आर बाई टू पे एक सॉलिड हेमिसफेयर है तो थ्री आर बाई एट अगर आपके पास एक ऑफ अ रिंग है और ये जो आर कॉफर रिंग है अगर वो अपने सेंटर पे टोटल एंगल टू थीड करता है तो सेंटर ऑफ मास इसके पे ही होगा और कहां पे होगा? तो ओ से जाना है, अगर डिस्टेंस, आर थीटा नॉट मान लीजिए थर्टी डिग्री है तो आपको यहां पे थीटा नॉट की जगह पाई बाई सिक्स पुट करना है क्लियर है एकदम अच्छा अगर हॉलो कौन है तो बेस से ऊपर जाना है एच बाई थ्री वेर एच इज वॉट दैट इज हाइट ऑफ द कोन सॉलिड में सेंटर से ऊपर जाना है एच बाई फोर और अगर आपके पास एक सेक्टर ऑफ अ डेस्क है जहां पे ये जो आर्क है वो अपने सेंटर पे टू थी नॉट एंगल सबटेंड कर रहा है तो ओ पॉइंट से आपको ऊपर जाना है एट अ डिस्टेंस टू आर बाई थ्री साइन थीटा नॉट अपॉन थीटानॉट इन सब को आप ड्राइव भी कर सकते हो लेकिन याद तो होना ही चाहिए ताकि आप एटलीस्ट जेई मेन जैसे एग्जाम में स्पीड सॉल्विंग कर सको अब यहां पे बच्चों का सवाल आता है कि सर ये सब जो फॉर्मूला है वो तो तब वैलिड है जब आपका यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो लेकिन अगर हमारा मास डेंसिटी ही वेरी कर रहा हो तो तो उसके लिए यहां पे एक और टॉपिक है पॉइंट नंबर सिक्स और यहां पे सीधे एक सवाल देखते हैं ठीक है अगर आपको इस पर कॉन्फिडेंस है तो आप पहले इसको खुद से ही सॉल्व कर ले और फिर इसका रिजल्ट देख लीजिएगा सवाल में क्या बोलता है कि आपके पास एक डिस्क है लेकिन अब जो है इसका मास डेंसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है वॉट इज़ मास डेंसिटी दैट इज़ योर मास पर यूनिट एरिया इसके पहले तक जब फॉर्मुलोर आर बाई थ्री पाई तब वो कॉन्स्टेंट था लेकिन अगर हमें सवाल में देता है दैट द मास डेंसिटी वेर यूनिट इज के जी पर मीटर स्क्वायर वो आपको आर के साथ वेरी कर रहा है यानी कि जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हो राइट right? आपका सिग्मा भी वेरी कर रहा है अब हमसे पूछता है कि बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है तो एक बात तो तय है कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो तो वाई एक्सिस पे ही होगा लेकिन कहाँ होगा वो हमें सॉल्व करना है और अभी आपका वो जो कॉन्सेप्ट है एलिमेंट टेकिंग का वो अब यहां पे रोल प्ले करेगा क्योंकि ऐसे सवालों में आपको एलिमेंट कैसा लेना होता है आपको आर पे जाके डी आर थिकनेस का एक छोटा सा एक पतला सा आप एक एलिमेंटल सेमी सर्कुलर रिंग लेते हो ठीक है अच्छा है तो सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन एक्सेस तो हमारे पास फॉर्मूला है ई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रल वाई डी एम अपॉन इंटीग्रल डीएम अब यहाँ पे डीएम क्या है डी एम इज दी अ स्मॉल मास एक छोटा सा मास ऑफ दिस एलिमेंट तो इस एलिमेंट का हमें मास लिखना है तो भैया मास जो होता है दैट इज डेंसिटी इंटू एरिया राइट दिस सिग्मा डेंसिटी इंटू एरिया वॉट इज एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कुलर पतला सा जो स्ट्रिप है दैट इज पाई आर इंटू डी आर राइट इसका जो सरकमफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा पाई पाईआर और इसका जो थिकनेस है डी आर तो जो छोटा सा एरिया हो जाएगा दाई आर इंटू डी आर एंड सिग्मा वॉट इज डेंसिटी टू आर सो टू आर इंटू इतना इसके पहले समझा था कि वाई क्या होता है वाई होता है ये जो छोटा सा dm पार्टिकल आपने लिया है उसका सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, राइट तो यहां पे ये जो शेडेड रिंग दिख रहा है वही है डीएम और एक सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है 2r π पे 2r π पे यानी कि y हो जाएगा 2 स्मॉल r π क्लियर है एकदम अच्छा अब इस dm और इस y को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और लिमिट कहां से कहां तक हमें इस पूरे सेमी सर्कुलर डिस्क को कवर करना है तो 0 से लेके कैपिटल r तक का लिमिट लगेगा इसको सॉल्व करेंगे बड़े प्यार से आपका आंसर जो है 3r 2π आ जाएगा क्लियर है एकदम ठीक है आई होप आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आया है इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो वेरी रेलिवेंट वेरी यूजफुल अभी ही इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक है अपना सेंटर ऑफ ऑफ मास कंबाइंड स्ट्रक्चर अगर आपके पास एक से ज्यादा बॉडीज कंबाइंड है फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक स्क्वायर शीट है और ये आपका एक सेमी सर्कुलर डिस्क है सवाल में हमको कहता है कि इसका रेडियस आपको आर है ये जो स्क्वायर है ये आपको टू आर साइड का है ठीक है अच्छा फिर हमसे ये भी बोलता है कि दोनों ही सेम मटेरियल का बना है यानी कि दोनों का ही सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा जो होगा वो सेम होने वाला है हमसे बोलता फाइंड द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सी तो ये जो स्क्वायर है इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है इसके रेस्पेक्ट में कहाँ पे है इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लोकेट करना पड़ेगा इन दोनों बॉडीज़ का अपना अपना सेंटर ऑफ मास तो स्क्वायर का तो यहीं पे होने वाला है और एक सेमी सर्कुलर डिस्क का कुछ यहां पे होता है दिस डिस्टेंस इज बेसिकली फोर आर बाई थ्री पाई राइट तो अब ध्यान से देखिएगा सेंटर ऑफ मास में हम लोग क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास इज दैट लोकेशन जहाँ पे पूरे इस बॉडी का मास हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं तो इस सी पॉइंट पे ही इस पूरे येलो का मास कॉन्सेंट्रेटेड है एम वन और इस सी वन पॉइंट पे इस पूरे ग्रीन सेमी सर्कुलर डिस्क का मास कॉन्सेंट्रेटेड है एम टू अब ये एम वन एम टू सोल्व करना बहुत ईजी है क्योंकि मास आपका होता है डेंसिटी इंटू एरिया सिग्मा दोनों के लिए सेम होगा एरिया हम सॉल्व कर सकते हैं स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर और एक सेमी सर्कुलर डिस्क का एरिया हो जाएगा पाईआर स्क्वायर बाई टू अच्छा सर अब बेसिकली हमने इस पूरे सवाल को कन्वर्ट कर दिया है दो पॉइंट पार्टिकल सिस्टम में और अब हमें सॉल्व करना है कि ये आर वन दूरी कितना है वेयर इज द सेंटर ऑफ मास लोकेटेड और इस आर वन का तो हमें फॉर्मूला ही पता है हमें ये डिस्टेंस भी पता है The total distance between C and C1, right? You, uh, we know that यहाँ से लेके यहाँ तक का distance capital R है और यहाँ से लेके यहाँ तक होता है 4R by 3 pi. So R plus 4R by 3 pi. तो R1 का formula क्या हो जाएगा? That is your m2 multiplied by this distance upon total mass. राइट एम टू मल्टीप्लाइड मास एम टू क्या हो जाएगा एम टू है इस ग्रीन वाले का मास दैट इज सिमा उसका सर्फेस एरिया अपॉन सिग्मा इंटू स्क्वायर का सर्फेस एरिया प्लस सिग्मा इंटू सेमी सर्कुलर डिस्क का सर्फेस एरिया आप सॉल्व करेंगे यहां आंसर निकल के आएगा राइट चलिए एट पॉइंट है जहां पे आपका कैविटी आता है जहां पे बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं तो यहां पे हम लोग दो मेथड देखेंगे ध्यान से देखिएगा एक मेथड जो है वो बड़ा ही स्टैंडर्ड सा है हर बच्चा इसको अपने इंस्टीट्यूट में या फिर उसका फैकल्टी उसको बताता है विच इज योर नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट राइट और दूसरा मेथड भी हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले सवाल बड़ा ही स्टैंडर्ड सा है कि आपके पास एक डिस्क है राइट right? और उस डिस्क में से हमने एक आर बाई रेडियस का एक छोटा सा डिस्क काट के निकाल दिया है अब ये जो येलो पोर्शन बच रहा है उसका सेंटर ऑफ मास हमसे पूछा जा रहा है तो लॉजिकली भी हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है अब ओ पे तो रहा नहीं वो थोड़ा सा लेफ्ट की ओर घसक चुका होगा राइट right? ये आपको अब बल्कियर पोर्शन है तो सेंटर ऑफ मास आपको बल्की पोर्शन के पास रहता है अच्छा सर तो हम लोग क्या बोलेंगे वी कैन अज्यूम दिस एंटायर सिस्टम एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सिस्टम समझिएगा जहां पे ये आपको कंप्लीट डिस्क है राइट पॉजिटिव मास है और ये आपको ये कट आउट वाला पोर्शन है जिसका मास हम लोग नेगेटिव मान रहे हैं हालांकि नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट जैसा कुछ है नहीं लेकिन जस्ट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्योंकि जब आप इस नेगेटिव मास को इसके ऊपर कंबाइन करोगे तो यहां पे बेसिकली आपको जीरो मास क्रिएट हो जाएगा और यही चीज आपको क्रिएट हो जाएगा सो वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस ठीक है अच्छा अब क्या लगाना है अब हमको सिंपल लगाना है एम वन एक्स वन प्लस एम वन हो जाएगा इस वाले का मास क्लियर है एकदम और एक्स वन एक्स टू क्या हो जाएगा इस येल्लो वाले का अपना सेंटर ऑफ मास जो कि ओरिजिन पे है इस ब्लैक वाले का खुद का सेंटर ऑफ मास जो कि आर बाई टू दूरी पे है ओरिजिन से तो हमने लगा दिया यहां पे फॉर्मूला राइट एम वन क्या हो जाएगा मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इन एरिया सो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अब इसका एक्स वन तो जीरो पे ही था तो यहाँ पे जीरो लिखा है प्लस इसका मास कितना हो जाएगा माइनस सिग्मा इंटू इसका एरिया सो पाई पाईआर स्क्वायर बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू विच इज आर बाई टू यहां पे सब्सटीट्यूट किया डिनोमिनेटर में फिर से हमने टोटल मास को लिख दिया है आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस आर बाई सिक्स आएगा माइनस साइन ये बताता है कि ओरिजिन से बेसिकली लेफ्ट साइड की ओर हमारा सेंटर ऑफ मास है एट अ डिस्टेंस ऑफ आर बाई सिक्स क्लियर है तो ये आपको हो गया मेथड वन मेथड टू जो है उसमें देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं राइट right? ये भी आपको ईजी मेथड है <coughs> इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग यहां पे आपके पास दो मास लेंगे और इस बार दोनों पॉजिटिव है क्यों पॉजिटिव है क्योंकि इस बार हम लोग एक तो लेंगे जो येलो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मास मान लेते हैं एम वन है ठीक है और ये जो पोर्शन आपने कटआउट करके निकाला था उसको फिलहाल वहीं रहने दो राइट right? तो ये जो है, उसका मास है बेसिकली एम टू अब एम टू मास कितना होगा इसका जो डेंसिटी है एरिया, तो येलो वाले का एरिया कितना हो जाएगा पाईआर स्क्वायर माइनस पाईआर स्क्वायर बाई फोर विच इज थ्री पाईआर स्क्वायर बाई फोर अब यहां पे ध्यान से देखिएगा हमें पता है कि इस येल्लो वाले का ये जो सिर्फ येल्लो वाला बच रहा है आफ्टर रिमूविंग दिस पोर्शन तो येल्लो वाले का सेंटर ऑफ मास ओ पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट साइड है वो हम लॉजिकली सोच सकते थे ठीक है यानी कि यानी कि अब आपके पास दो पार्टिकल सिस्टम क्रिएट हो रहा है एक येल्लो वाला है जिसका सेंटर ऑफ मास सी वन पे है राइट तो हम इस येल्लो वाले का पूरा मास सी वन पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं एम वन मास और ये जो पोर्शन था जो कि हमने यहाँ से काटने की कोशिश की थी एम टू मास का उसका खुद का सेंटर ऑफ मास है सी टू पे राइट तो यहाँ पे एम टू लिख दिया है और हमें पता है कि अगर ये दोनों कंबाइंड होता तो इस दोनों कंबाइंड का सेंटर ऑफ मास पे था अगर आप यहां से इसे काट के नहीं निकालेंगे तो सेंटर ऑफ मास पे ही था तो हम यहां पे कह सकते हैं कि एम वन और एम टू का जो सेंटर ऑफ मास है वो आपको ओ पे ही आने वाला था राइट यानी कि ओ से एम टू का दूरी है आर बाई टू और ओ से एम वन का दूरी है एक्स हमें ये एक्स ही सॉल्व करना है और हमारे पास एक फॉर्मूला था सेकेंड ये जो आपका एट पॉइंट है वैसे ही सेकंड पॉइंट में हमने आपको एक फॉर्मुला दिखाया था एम वन इक्वल टू एम टू इंटू आर बाई टू राइट करेंगे X, 6, 6, और यहाँ पे नहीं आया है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड मान के ही इसको पूरा सॉल्व किया था तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा है आर बाई सिक्स क्लियर है एकदम आई होप ये मेथड भी आपको समझ में आया है अब आपका चॉइस है कि आपको कौन सा यूज़ करना है आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नाइन पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ठीक है तो हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला था राइट इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वैक्टर तो अगर हम दोनों तरफ चेंज ले डेल्टा ले तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा आर सी वैक्टर इज इक्वल टू मास में तो कोई चेंज आएगा नहीं मान लेते हैं कि ये जो आपका मास एम वन है उसका पोजिशन वैक्टर चेंज होता है तो यहाँ पे लिख दिया डेल्टा आर वन सेमली सिमिलरली डेल्टा आर टू एंड सो वन राइट तो अगर हमें डेल्टा आर वन डेल्टा आर टू पता है तो हम पता कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का पोजिशन कितना चेंज हुआ है सो so, बेसिकली उसका डिसप्लेसमेंट कितना आया है क्लियर है एग्जाम्पल के तौर पर एक टू के जी का मास एक फाइव के जी का मास है और इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर है

वेक्टर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा वी वन प्लस किया तो आपको ठीक का का है अब यहां और इसी पॉइंट से हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन है वो फिर शुरू होगा नेक्स्ट वीडियो में यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर में क्या है एम वन वी वन वैक्टर यानी कि एम वन पार्टिकल का मोमेंटम एम टू वी टू वैक्टर यानी कि एम टू पार्टिकल का मोमेंटम एंड सो ऑन सो न्यूमिनेटर में आपके पास बेसिकली टोटल मोमेंटम है सिस्टम का नेट मोमेंटम और डिनोमिनेटर में आपके पास टोटल मास है सिस्टम का तो हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते थे अगर ये टोटल मास को हमने कैपिटल एम बोल दिया तो कैपिटल एम को लेफ्ट साइड ले जाओ सो कैपिटल एम इन वी सी एम इज इक्वल टू नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम राइट right, तो ये जो है हमें अब ध्यान में रखना है यहां से लेके रोटेशन तक के चैप्टर में कि जो आपका नेट लीनियर मोमेंटम होता है सिस्टम का दैट इज टोटल मास मल्टीप्लाइड बाई सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी सिमिलरली एम वन ए वन वैक्टर इज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल वन एम टू ए टू फोर्स ऑन पार्टिकल टू सो न्यूमरेटर में आपके पास क्या है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इक्वल टू मास का एक्सिलेशन तो हम जो न्यूटन का लॉ पढ़ते रखना है और, पे, पे, और चीज देखें अगर आप इसी फॉर्मुले को दोनों तरफ से डिफरेंशिएट कर देते तो भी आपका डायरेक्टली यही नीचे वाला आ जाता राइट तो हम यहां पे कह सकते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू डी पी डीपी बाई डी टी तो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम पे लगने वाला जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो अगर जीरो हो जाता है वो अगर जीरो हो जाता है यानी कि जो आपका पी नेट है वो कॉन्स्टेंट है राइट पी नेट कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है यहां पे देखिए अगर आपका पी नेट कॉन्स्टेंट है मतलब कि आपका वी सी एम कॉन्स्टेंट है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है और ये जो पी नेट कॉन्स्टेंट होता है इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जिसका कंडीशन क्या है कि सिस्टम पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो आपको जीरो के बराबर होना चाहिए ठीक है, बढ़िया है अब हम लोग यहाँ पे एक सवाल भी देख लेते, लेते हैं के और सेंटर मास के के और ऊपर, एक बड़ा ही सा सवाल सवाल है, जे ही मेंस में भी इस के सवाल पूछा जा चुका है तो सवाल में हमसे क्या बोलता है टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ मास वन के जी एंड टू के जी रेस्पेक्टिवली आर प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर विद स्पीड दो सो एंड पचास मीटर्स पर सेकेंड तो इस वाले पार्टिकल को नीचे फेंका जा रहा है विदिफ्टी

अब ये दोनों आपको कैसे भी मोशन करे इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी समय के साथ आपको पहले ऊपर जाएगा राइट एक मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा तो हमसे वही पूछा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास का ग्राउंड लेवल से मैक्सिमम हाइट कितना अचीव किया गया है ठीक है तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप सेंटर ऑफ मास का सारा वैल्यू यहां पे पहले पता कर ले तो सबसे पहले जो इनिशियल कंडीशन है जब दोनों अभी यहीं पे थे तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा तो ग्राउंड लेवल से सेंटर ऑफ मास का दूरी कितना है आर वन वो हम पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है वो भी हम सॉल्व करेंगे और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है वो भी सॉल्व करेंगे उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये जो आर वन है आपके पास टू पार्टिकल सिस्टम है तो आर वन हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं राइट एम बी इन टू नाइनटी अपॉन एम ए प्लस एम बी ये आपको आ जाएगा सिक्सटी मीटर्स राइट सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा राइट एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी अपॉन टोटल मास यहां पे आपको ध्यान रखना है साइन का क्योंकि यहाँ पे आपको जो वेलोसिटीज़ है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो UA आपको ऊपर था इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आया है यू भी आपको नीचे है इसलिए यहां पे आपको नेगेटिव आया है सो ओवरऑल दिस इज प्लस हंड्रेड बाई थ्री मीटर्स पर सेकेंड यानी कि सेंटर ऑफ मास आपको इनिशियली ऊपर ही जा रहा था ठीक है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन के लिए आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों ही पार्टिकल पे आपको जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो सेम लग रहा है दैट इज योर माइनस जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ए ए एंड ए बी

एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको 10 था, जहां था उससे ऊपर हमसे सवाल पूछा गया था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो आप यहां पे H और इस R1 को जोड़ेंगे और आपका फाइनल आने वाला है एक सौ पंद्रह पॉइंट पांच पांच एम एम मीटर सॉरी मीटर्स राइट सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेंटर ऑफ मासन किया है ठीक है कम समय में हम लोग देवसन करते हैं लेकिन कंप्लीट करते हैं सो यू कैन ट्रस्ट ऑन एवरी सिंगल वीडियो ऑफ आर्ट्स अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो सभी का लिंक यहां पे डाल दिया गया है ठीक है लेकिन आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब हमारा सेकेंड वीडियो भी आ चुका होगा तब सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इन सेकंड वीडियो वी वुड कंप्लीट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन बोथ योर हेड ऑन एंड ओब्लीक ठीक है आ, हमारा जो रिविजन सीरीज प्ले का लिंक है वो ये है जेई मेन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कम्प्लीट आ, दो हज़ार भी क्या है अठारह के भी हमने बहुत सारे सवाल ऑलरेडी कर रखे हैं और ये हमारा गोल्ड माइंड लिंक है जहाँ पे हमारे पूरे चैनल का जो कंटेंट है एजुकेशनल कंटेंट है उन सभी का लिंक यहाँ पे ऑर्गेनाइज वे में रखा हुआ है ताकि आपको भटकना ना पड़े ठीक है चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले टेक केयर एंड बाय